सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन तेंदुलकर को भारत का भविष्य ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई युवा खिलाड़ियों ने कदम रखा है, बात चाहे ऋषभ पंत की करी जाए या फिर विजय शंकर की या फिर शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों ने घरेलू टूर्नामेंट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया कि हर कोई अब इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। शायद इसी बात का नतीजा है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भी विजय शंकर ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, बात केवल इन चार खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं, क्योंकि एक और पांचवा खिलाड़ी जल्दी भारतीय क्रिकेट टीम में कदम रख सकता है, क्योंकि वह अपनी जोरदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, इस खिलाड़ी का नाम है अर्जुन तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। हम सभी जानते हैं कि गत दिनों या फिर यूं कह लीजिए कि पिछले साल अर्जुन तेंदुलकर की काफी ज्यादा बेइज्जती करी गई थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन तेंदुलकर अंडर 19 की टीम की तरफ से श्रीलंका खेलने के लिए गए थे तो वहां पर उनका प्रदर्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि वह सचिन के बेटे हैं। तो आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि सारे देश की अपेक्षाएं उनसे कितनी ज्यादा हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्जुन तेंदुलकर से कम उम्र के लड़के भी आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन अर्जुन अब तक आईपीएल में अपनी जगह नहीं बना पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं यह बातें उन पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब अर्जुन तेंदुलकर ने इन सभी सवालों को अपने प्रदर्शन से साफ कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में एक T20 लीग खेली जा रही है। यह लीग केवल मुंबई की टीम के बीच में खेली जा रही है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर भी एक टीम का हिस्सा है। साथ ही इस लीग में खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी गेंदबाजी से तो सबको प्रभावित किया ही है, क्योंकि उन्होंने एक मुकाबले में 4 विकेट जो लिए थे। लेकिन अब तो सुनने में यह खबर भी आ रही है कि अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी से भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में खेले जा रहे एक मुकाबले में जब अर्जुन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने मैदान में इतना बड़ा छक्का लगा दिया कि सब बता दें कि इस मुकाबले में टाइगर्स की टीम की तरफ से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर 1 डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए थे। ऐसे में उन्हें अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन भी जुटाने थे, और जब गेंदबाज ने बड़ी चालाकी से अर्जुन तेंदुलकर को एक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली तो दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर तो जैसे कि इस गेंद को खेलने के लिए तैयार ही खड़े थे। उन्होंने इस तेज तर्रार गेंद के टप्पा पड़ते एक शानदार पुल शॉट खेल दिया, और गेंद देखते ही देखते बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी सीधा दूसरे स्टैंड में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शॉट में खास बात तो यह थी कि जैसे ही अर्जुन तेंदुलकर ने यह शॉट लगाया तो मैदान में सबको युवराज सिंह की याद आ गई, क्योंकि युवराज सिंह भी जब मैदान पर इतनी तूफानी फॉर्म में बल्लेबाजी करते तो वह इसी तरीके से पुल शॉट लगाकर छक्के मारा करते थे, जिसके बाद से अर्जुन तेंदुलकर की हर जगह युवराज। साथ ही आपको बता दें कि उसी है उस मुकाबले का पहला छक्का था जो कि अर्जुन तेंदुलकर के बल्ले से ही निकला था। सिर्फ इतने नहीं, आपको बता दें कि इस छक्के की लंबाई 100 मीटर से ज्यादा की भी आंकी गई। दोस्तों, जिस हिसाब से आप दृश्य में देख सकते हैं कि जैसे अर्जुन तेंदुलकर ने छक्का लगाया सबको मैदान में सचिन की याद आ गई और क्राउड तो झूम उठा। मैदान में अर्जुन का नाम गूंज उठा और कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी अर्जुन तेंदुलकर की जमकर तारीफ करी। उन्होंने तो अर्जुन तेंदुलकर को आने वाला बेहतरीन ऑलराउंडर भी बता दिया भारतीय क्रिकेट टीम का। दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर के इतने शानदार शॉट व उनकी गेंदबाजी को देखकर तो अब ऐसा लगता है कि वह भारतीय टीम में जल्द ही जगह बनाने वाले हैं। इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ सालों में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर काफी ज्यादा काम किया है। साथ ही अब अर्जुन की उम्र भी बढ़ रही है और वह आईपीएल का हिस्सा आप सभी को अगली बार बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर की इतनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बाद क्या उन्हें भी भारतीय टीम में खेलने का एक मौका देना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी तरीके की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।